नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। आज मैं आपको जो आलू का हलवा बनता है व्रत में, वो बना के दिखाने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी। 6 आलू उबाल लिए मैंने, अब इनको मैं कद्दूकस करूंगी। वैसे तो हाथ से भी स्मैश कर सकते हैं, पर कद्दूकस करेंगे तो ये सारे आलू इवन हो जाएंगे, तो काफी अच्छा हलवा बनता है। फिर अपने मौका और कढ़ाई रख दी। अब ये मैंने एक कटोरी घी लिया है मधुसूदन, ये थोड़ा गर्म हो जाए जब ये हम आलू डाल देते हैं इसमें। शुरू में जब हम आलू डालते हैं तो काफी चिपकता है, तो ऐसा लगता है कि चिपक गया ये, कोई जो बिगनर बच्चे पहली बार बना रहे हो तो। पर घबराने कोई बात नहीं होती, जैसे जैसे ये हलवा चिपकता जाता है वैसे वैसे कढ़ाई छोड़ता जाता है। तो पहले ये चिपकेगा कढ़ाई में थोड़ा, उसके बाद ये जैसे जैसे इसका सेक लगेगा इसको, ये अपना आप बनता जाएगा और कढ़ाई छोड़ता जाएगा। बस थोड़ा सा इसको चलाते रहें। अब ये आलू हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अच्छी खुशबू आने लग गई है इसमें से। अब मैं ये चीनी डाल दूँ। जिस कटोरी से मैंने घी लिया था उसी के नाप से मैंने चीनी डाली है, बाकी आप ज्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा खाना पसंद है तो वो डाल सकते हैं, और कम खाना पसंद है तो थोड़ा कम डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी बर्फी जमाना चाहें तो बर्फी भी जमा सकते हैं। जब आलू का हलवा बन जाता है उसके बाद में 10-15 मिनट तक इसको रख के इसकी बर्फी जमा सकते हैं। ये मैंने गैस की फ्लेम अभी स्लो पर रखी है। इसमें थोड़े से काजू मिलाऊंगी। मैंने पानी या दूध कुछ नहीं डाला है, सिर्फ चीनी डाली थी। तो चीनी डालने के बाद ये जितना भी हमारा चिपक रहा था इस पे हलवा, वो सारा छूट गया है कढ़ाई से और अच्छे से पक गया है। थोड़ी सी पिस्ता डाल दी हूँ, आधी मुट्ठी के करीब। बाकी आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, अगर आप खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल खा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है ड्राई फ्रूट डालने, ये ऑप्शनल है, अगर आप खाना चाहते तो डाल सकते हैं। अब ये हमारा हलवा बन के बिल्कुल तैयार है। देखो फ्रेंड्स, जितना भी कढ़ाई पे लग रहा था वो सब छूट गया है और अच्छे से बन गया है। गैस का फ्लेम बंद कर दिया मैंने। ऐसी बर्फी जमती है एक ट्रे में निकाल के या किसी बर्तन में निकाल के उसको 15-20 मिनट फ्रिज में रख दो और फिर उसके पीस काट के खा सकते हैं। पर वो गर्म नहीं होती, ये हलवा गर्म गर्म खाया जाता है
ये गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, वो ठंडी हो जाएगी बर्फी। तो देखो फ्रेंड्स, इतना भी कढ़ाई पे लगा था, सब निकल चुका है, अच्छे से बन गया है। ये हलवे की यही पहचान होती है, अच्छे से बन गया है, नहीं बिल्कुल कढ़ाई छोड़ देता है। अगर कढ़ाई में चिपका चिपका हुआ है तो इसका मतलब अभी हलवा बनानी है, अगर कढ़ाई छोड़ दी बिल्कुल तो हलवा बन गया है। ये देखो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसे ये जमता जा रहा है। अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो और जल्दी जम जाएगा, और फिर इसका पीसेस काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये आज की छोटी सी रेसिपी थी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।